हेलो फ्रेंड्स, आज इनके एडुकेयर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस लेक्चर में क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। क्या कह रहा है? डज नॉट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कौन सा ऑप्शन? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी आई, वी स्क्वायर आर। ठीक है, देखिए अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर जो होता है P इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका वी आई, देखिए सी में हम लोग देख रहे हैं वी आई। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। वी नो दैट पावर इज पी इक्वल टू वी आई। ठीक है, ये चीज हम लोग जान रहे हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, वी आई होता है। तो इसी क्रम में V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V इक्वल टू P बाय आई हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इक्वेशन 1 ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा हमारा आया तो इससे हम लोग समझ रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये पावर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया जो कि पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वी आई तो ये चलिए आपका नहीं आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर। तो हम लोग इसको ऑलरेडी ये भी कह सकते हैं, आई इक्वल टू क्या कह सकते हैं, वी बाय आर, ये भी तो हम लोग कह सकते हैं। चलिए इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, आप देखिए यहां हमारा जो आ गया V इक्वल टू आई आर आया है। ठीक है, आप देखिए नाउ हम लोग जो है अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ V फ्रॉम सेकेंड इन 1। ठीक है, सेकेंड का जो वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। जब हम लोग पुट करेंगे तो क्या हम लोगों को आ जाएगा, देखिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम सेकेंड इन वन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तब हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, हम लोग वी गेट पी इक्वल टू, जैसा कि देखिए वी आई हम लोग जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा, पी इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब वी आई को हम लोग वी आई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी बाय आई। ठीक है, तो जब हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, P इक्वल टू V इक्वल टू आई आर होता है ना, हम लोग देख रहे हैं। यहां देखिए आपका जो सेकेंड इक्वेशन में जो आ गया हमारा V इक्वल टू आई आर। ठीक है, हम लोग यहां पुट करते हैं आई आर, ठीक है, यहां हमारा हुआ इंटू आई, क्या आ गया हमारा आई स्क्वायर आर। ठीक है, यहां हमारा ये आ गया, जब पुट किए वैल्यू तब आई स्क्वायर आर आ गया। सो द ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट,
यानी हमारा ए जो है ये भी करेक्ट हो गया, ये भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका जो कि पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वैसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दो ऑप्शन तो हमें सही मिल गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम टू इन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई, अब हम लोग क्या करेंगे, आई का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे फ्रॉम सेकेंड। इससे देखिए यहां जो है सेकेंड इक्वेशन हमारा कौन सा है, ये देखिए हमारा आ गया है यहाँ पे, ये जो हमारा है सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, चलिए यहां हम लोग पहले नोट डाउन कर लें, वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन, तब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, वी गेट पावर इक्वल टू, देखिए क्या मिल रहा है हम लोगों को, पी इक्वल टू, यहां देखिए हम लोग नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ये देखिए हमारा जो है इसमें क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को पुट करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, हमारा जो आता है P इक्वल टू V इंटू V बाई R। अब देखिए क्या आ गया हमारा, V स्क्वायर बाई R, चलिए क्या हो गया, सो द ऑप्शन D इज ऑल्सो करेक्ट। यहां देखिए ये जो D ऑप्शन है V स्क्वायर R, ये भी करेक्ट हमारा निकल गया। ठीक है, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस द ऑप्शन बी, ऑप्शन बी डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। पावर इन अ सर्किट, ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इस चार ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके सही आंसर है, यानी आई आर स्क्वायर जो है, यानी आई आर स्क्वायर, और इसको हम लोग कह सकते हैं ऑप्शन बी डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो यहीं पे जो होता है आपका क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं। बाकी के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पाने के लिए आपको आज इनकी एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करना होगा। प्लेलिस्ट का आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करें और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन प्लस 8 to 12 मैथ और साइंस के स्टडी मटेरियल का लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स।